बरोदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बरोदा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहलवान योगेश्वर दत्त एक अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा विधायक बनकर आपकी सेवा करेगा, आप उनका साथ अवश्य देना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब ताबड़तोड़ रैलियां और सभाओं को करने का अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया है। भाजपा से प्रत्याशी ओलंपियन ने योगेश्वर दत्त की ग्रामीण जनसभा को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री बरोदा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने लालच के चलते अपने दादा और दादी का अपमान किया है और पार्टी को एकता के साथ आगे नहीं बढ़ने दिया और जहां भी जाता है वह अपने आप को सीएम घोषित करवाता है। क्या ऐसे लोग हरियाणा का भला कर सकते हैं, उनसे बचकर रहना। इस दौरान पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि गांव में पानी की समस्या का समाधान होगा और खेलों का समाधान होगा और यहां से अधिक चैंपियन निकलकर कार्य किए जाएंगे। K9 मीडिया के लिए बरोदा विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार की रिपोर्ट। अब मैं सांसद महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पुष्प गुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे भारत देश किसान भाई योगेश्वर पहलवान से भी प्रार्थना करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सरपंच जी गुमाना, रीनू देवी सरपंच आवली, राकेश सरपंच रुखी, सुनील का रिन्हाणा, संदीप चहल सरपंच रिन्हाणा, संजय मान सरपंच महमूदपुर, सुरेंद्र सरपंच जवारा, राजेंद्र सरपंच रामगढ़ कैलाना, रमेश सरपंच छपरा, ब्रह्मानंद सरपंच जसराणा, चेयरमैन गोहाना नगर पालिका और हमारे गांव भैंसवार यानी सरपंच एसोसिएशन के प्रधान राजेश मलिक जी और ब्रोता के दोनों सरपंच श्यामपाल जी और विजय खासा जी और आजाद जागसी जी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से सारे चुनाव की जो कमान संभाले हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के विधायक श्री कमल पटेल जी, श्री अरविंद यादव जी और या जेजेपी, इसकी सुन लो, इस जेजेपी का भी ये हालत है कि जेजेपी के हर आदमी, उनको पता है राजपाट कहीं पढ़ना नहीं, वो भी कहते हैं हमारे को भी ले लो, हमारे को भी ले लो, लेकिन ये जो दुष्यंत चौटाला है इसके साथ कोई 1500 ये जवान से सिट्टी बजाओ छोरे हुए ना जो ये ला रहे हैं और जड़े में जाओगा पहला आ गया सीएम, आ गया सीएम। मैंने अगर मेरे से सलाह करता हो, लेकिन लालच और लालच भी अपने माँ बाप, अपने दादा को, अपनी दादी को बुरा भला कहने वाला आदमी, अपने परिवार को दो टूक करने वाला आदमी, वो हरियाणा के और आप लोगों के लिए काम करेगा। और चुनाव प्रचार जोरों पर है, आज मैं ये पांचवी विधानसभा कर रहा हूं, अभी मुझे गुहाना और पानीपत भी जाना है। पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई मंत्री, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, स्मृति ईरानी जी, नरेंद्र तोमर जी, इन सबों की सभाएं चल रही है। 14 तारीख है, परसों 14 तारीख से हमारे प्रधानमंत्री, इनकी भी चार सभाएं हरियाणा में होने वाली हैं। एक सभा उसमें से बल्लभगढ़ में होगी, एक चरखी दादरी में होगी, एक कुरुक्षेत्र में होगी, एक हिसार में होगी। हमें भी कहीं ना कहीं का न्योता बुलावा आएगा कि किसी एक जगह पर जो नजदीक की जगह होगी हम भी वहां जरूर जाएं। ये मैं आपको सबसे पहले निमंत्रण देता हूं। सब विपक्ष के लोग वो धराशायी हो गए हैं, सबको लगता है चलो भारतीय जनता पार्टी की ओर, भारतीय जनता पार्टी की ओर, और वही लोग जो पहले उस समय उनको कहते थे कि ये तो अनाड़ी है, आज वही कहते हैं भाई नहीं अनाड़ी नहीं है, ये तो राजनीति का खिलाड़ी है, वही लोग हमारे बारे में कहने लगते हैं। जो भी
बातचीत होगी। मैं सब अपना आशीर्वाद दे दिया 21 तारीख में जा रोटी खाने पहले जाइए, कदम रोटी खाना सौ घंटा दो घंटा सोना नहीं है, पहले वोट करनी है फिर रोटी खाना सोना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या वोट करिए और जो भी समस्या है यागी जैसे सीएम विंडो बड़ी है तो भी 10 विंडो बनाओगे, जो भी दिक्कत होगी वो भी 10 विंडो बताइयो, मैं थे बीच में हमेशा रहूंगा। महिलाओं के लिए अलग से एक सोसाइटी बनाई जाए, कमेटी जो महिलाओं की समस्या सुनेगी और चीज अलग अलग तरीके से बांट देंगे हमें, जो सबकी दिक्कत दूर हो जाए। एक बीपीएल परिवार बहुत ज्यादा मिला हूँ जिनके बड़े नहीं है, जो जरूरतमंद है, सब मैं पहले 2 दिन का मैं वो करूंगा, खिलाड़िया रहो शिक्षा वाली बाहर बेटिया रहो सबने केड़ा लेकर चलेंगे, बड़ोता अलग खेल लगी धरती है यार। आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा सब मैं ज्यादा ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन।